अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है संडे और बहुत हम लेट हो गए हैं। यहाँ पर सुबह के 11:30 हो गए हैं, फिर मैं थोड़ा आज लेट उठी थी, लाइक 10 o'clock उठी थी। तो मैं 2-3 दिन से माइंड बना रही थी कि मैं हलवा पूरी बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और हम किस तरह खाते हैं, एक अच्छा से व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो हलवा पूरी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खा लेती हूँ शौक से, तो आज बच्चों को भी खिलाऊंगी ज़बरदस्ती। और चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं हलवा पूरी किस तरह बनाऊँ। तो ऑयल मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें ले लिया है। पैन मेरा थोड़ा ऊँचा है, तो शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी, एक मैंने छोटी प्याज ले ली थी, उसको मैं डालूंगी। आपको जलाना नहीं है, उसका सबको मैं घुमाऊंगी। इस तक मेरी कढ़ाई भी मैंने रख दी है, इसमें मैं अब मेरा पेट नजर नहीं आ रहा होगा और पेट तो खाना भी खतर नहीं है, आगे आप देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा हाई पे लिया है मैंने, थोड़ा। अच्छा, मसाले मैं आपको अपने दिखा दूँ, बिल्कुल मैंने आधी टेबल स्पून से भी कम मैंने हल्दी ली है, आधी टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और रेड चिली मैंने ली है, पेपरिका लिया है, बिल्कुल मामूली सा पिसा हुआ धनिया लिया है और नमक मैंने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है। आप लोग जितना डाल सकते खाते हो आपके घर में आप उतना डालें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन मिक्स है मेरे पास, मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, मैं इसको भूनूँगी। अच्छा, ये जो सालन जो है ये मैं छोले और आलू का मिक्स बना रही हूँ, इससे कि एक ही वो है, अलग आलू का लोग खाते हैं लेकिन मैं मिक्स कर रही हूँ। आलू को मैंने 2 आलू छोटे मैंने बॉईल कर लिए थे और ये देखें, टमाटर को एक को मैंने बगैर बॉईल के पीस किया था, उसको हैंग ग्राइंडर से अब मैं इसके अंदर चला रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी। अदरक लहसुन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं सही बैठ रखूँगी। इसको हमको इस तरह भूनना है। अच्छा, मैं आज सूजी का हलवा भी बनाऊंगी साथ में, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी, क्योंकि सूजी का हलवा बस कोई भी शौक से मतलब ये लोग खाते नहीं हैं, तो वो मैं ही खाऊंगी भी पड़ा रहेगा, तो उसको मैं कम ही बनाऊंगी, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसको पहले हम भून लें, नेक्स्ट हमारी सूजी की रेसिपी है। ये देखें, इस तरह मैं इसको भून लूँ, थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा तो उसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। बच्चियाँ मेरी उठी हैं अभी और आज यहाँ बारिश बहुत हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि 4 बजे मेरी आँख खुल गई, इतनी ज़ोर से बिजली कड़क रही थी कि मैं एकदम डर के एकदम उठ गई, मैं बहुत थकी हुई थी। ये देखें, अब मैं इसके अंदर कुलंजी मैं तेल में डालना भूल गई थी, तो कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने थोड़ी सी कुलंजी ऐड कर दी है, कुछ लोग उसे पहले नहीं ऐड की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुलंजी मैंने ऐड कर दी है। बस आपको टेस्ट आना चाहिए। अभी जो मैंने सारे मसाले आप लोगों को दिखाए थे कि इस तरह मैं सारे एक साथ ऐड कर दूँगी, और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि मैंने साबुत धनिए को जीरे को मैंने सेक लिया था आधा आधा टेबल स्पून और उसको मैंने मोटा मोटा कूट दिया था, उससे क्या होगा कि आपके
ये जो आलू चोले का जो सालन है इसके अंदर एक जो बाहर जो सालन मिलता है हमें रेस्टोरेंट के अंदर या हलवा पूरी की दुकानों में, बिल्कुल वैसा अच्छा आपको उसकी स्मेल आएगी। वो भी यही करते हैं। ये सिर्फ मैंने एक बहुत पहले मैंने ज़ुबैदा तारिक का शो में देख रही थी कि मैं जिससे सीखती हूँ, मैं जिससे देखती हूँ वो मैं बता देती। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरी टिप है, मैंने खुद देखा था इसको। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ ताकि जब मज़े का और बने। मैंने ऐड कर दिए हैं थोड़ा सा, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरीके से भूनेंगे, फिर आगे बताती हूँ क्या होता। तो ये देखें बहुत अच्छे से ये हमारा भून चुका है, जो मैंने फ्लेम कर दिया है। अब इसके अंदर मेरे पास ये यहाँ पर बॉयल पाकिस्तान में ही मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, तो ये मेरे पास बॉयल चने हैं, ये मैं आधा डालूँगी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये लोग कोई इतने लोगों को हलवा पूरी करना कोई शौक नहीं है, बस मैं अपने शौक की वजह से बना रही हूँ। खा लेंगी साथ में और भी चीज़ें हैं, बस वो खा लेंगी, थोड़ा सा ज़रा चख लेंगी। अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ धनिया और जीरा। अभी अच्छे से भून रहा है हमारा, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करेंगे ताकि जल्दी ये बने। और चनों को मैं थोड़ा गले हुए होते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा हमेशा आज मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया इसका पानी फेंक के, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शुरू से मैं इसको गलाती हूँ। अब इसको क्या करेंगे, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, इसको मोटा मोटा सा मैंने घास से उससे कर लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरह मैंने आलू ऐड कर दिए, और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ऐसे ऐसे मार के। इसको ज़रा सा पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर मैं इसके लिए गाने हरा धनिया चढ़ा दूँगी। हरी मिर्च हमारे को इतनी खाता नहीं है, तो मैं नेक्स्ट चूल्हे पर खा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ला रही हूँ सूजी का हलवा। तो चने का सालन हमारा तैयार हो रहा है, कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो रहा है, और तेल में तो गर्म हो चुकी है। सूजी देखें बस मैं इतनी लूँगी, ये भी मुझे ज़्यादा लग रही है मेरे फैमिली के हिसाब से, लेकिन वैसे मैं तो बिल्कुल ही कम तो बन नहीं सकता। तो इसके अंदर सूजी का हलवा वैसे 3-4 किस्म से बनता है, ये मैं आपको सिंपल बिल्कुल बता रही हूँ, बिल्कुल ईजी क्विक बन जाए, वरना मुझे 3-4 किस्म के आते हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो 4 मैंने इसके अंदर छोटी इलायची डाल दी ग्रीन वाली, ऐड कर रही हूँ। देखो छोटे से पैने में बना रही हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो ये लोग जो है ना मेरे बच्चों को क्या बच्चे कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चियाँ खा तो लेंगी, बेगल पड़े हुए हैं साथ में, क्रीम चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। ये देखें इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ अपने हिसाब से, आप लोग अपने हिसाब से करें। मैंने ये 2 डाले, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, ऐसा करके भूनेंगे चीनी में सूजी को, बिल्कुल लमसम कुछ भी नहीं बनेंगे। इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, फिर आपको दिखा दूँगी। पैन मैंने छोटा लिया था, जानबूझ के लिया था। अब इसके अंदर हम चना पानी ऐड करेंगे, मैं पानी ऐड करूँगी
करते रहें। मेरे अब्बू को बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ के गिरने, शायद आज आएंगे तो मैं उनको खिलाऊंगी। इसको देसी घी में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं जब मेरे पास देसी घी है भी, लेकिन मेरे बच्चे मुझे फौरन पकड़ लेते हैं आपने देसी घी डाला इसमें, लेकिन नहीं नहीं हमें तो स्मेल आ रही है, नहीं अब हम नहीं खाएंगे, आपने अपनी देसी भी डाला है अब हम नहीं खाएंगे। तो मैंने देसी घी को रख दिया, इसके अंदर मैंने पिस्ते और किशमिश ऐड कर दिए, अभी 5 मिनट दमते रहेगा उसके बाद ये रेडी है। थोड़ा सा केवड़ा ऐड करूँगी इसके अंदर में, वाह मेरे केवड़े अब आ जाते हैं दोबारा, आधी छोले की सादी के साथ इस तरह मैंने इसको रखा है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं मिक्स अचार ऐड करूँगी, उससे इसका खट्टापन बड़ा मज़े का लगेगा। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करूँगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं खुद ही खट्टा नहीं करूँगी, उससे नहीं खाया जाता। अच्छा इसके अंदर मैं अचार ऐड करूँगी, बल्कि अचार का मसाला ऐड कर देती हूँ। इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी, मैंने अचार ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया सीतना, आपके सामने मैंने कोई काट के पहले से नहीं रखा गार्निश के लिए, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट इसके अंदर ऊपर से काटूंगी, जिसमें काट रही हूँ जो मेरा स्टाइल है, जो मैं हमेशा करती हूँ, जो मैंने जैसे कहा है कि जो मेरे किचन में होगा वही आपके किचन में होगा, वही आपके किचन में पकेगा, लेकिन स्टाइल मेरा होगा। और आपको मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, तो फिर आपको मुझे आप बताएँगे कि आपको कैसी लग रही है, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। तो आ जाते हैं हम पूरी बनाने की तरफ। पूरी का आटा मैंने गूंद लिया था, कुछ भी नहीं डाला था, नमक डाला था और इसको मैं मैदे के अंदर मैंने नमक डाला था और इसको मैंने गूंद लिया था अपने हिसाब से। ये देखें आप दिखाते हैं पूरी मैं किस तरह बनाऊँगी। मैं क्या करती हूँ, ये थाल है इसके अंदर थोड़ी सी खुश्की को मैंने छिड़का और हमें जितनी पूरियाँ चाहिए मैं उसके अंदर बेल के एक साथ रखूँगी, तो एक साथ फ्राई करूँगी। वो मेरा पट्टा, तो ये मेरे बेलन, मेरा छोटा सा पेड़ा देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे जो पेड़ है इस तरह मैं बना लूँगी, 4 या 5 एनएफ हो जाएंगे। पूरी मैं अपनी बेल रही हूँ, चलो मेरा हाथ लग गया। पूरी को इस तरह हम बेलेंगे, मैं गोल घुमाती हूँ आपको शुरू से घूमने से लगे, कुछ लोग यूँ करते हैं मेरे हाथ से, अपना स्टाइल है, अब उनका यही स्टाइल है। तो बारिश भी है आज, बारिश के हिसाब से हलवा पूरी बेस्ट है। और मैं जब इसको सर्व करूंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह बैठ के खाते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अभी आगे आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी खाने वाली हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम अपनी पूरी को फ्राई करते हैं, देखते हैं कि तो मैं बहुत ज़्यादा पूरी को लाल नहीं करती हूँ, वो खाई नहीं जा रही कड़क हो जाती है। पूरी को करते हैं
फ्राई। थोड़ा सा इसमें चमचा मारेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं आप, और बारिश भी बड़ी स्टार्ट हो गई है बड़े मजे की। मजा आ जाएगा आज तो दुर्गा पूजा का नाश्ता। थोड़ा सा तो नाश्ता नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा मिल तो गए। ओके, पूरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीके मुझे और आते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, वो मेरे सीक्रेट है, और वो भी मैं इंशाल्लाह आगे किसी दिन आपसे शेयर करूँगी जब मेरा हलवा पूरी खाने का मूड होगा, और आप मुझे बताऊँगी किस तरह बनता है। और सालों में मुझे बहुत किस्म के आते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैं आपसे उनका ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी क्लास हुई रहती है उसको फ्राई करती हूँ। तो नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, सूजी का हलवा, चने और आलू की तरकारी, पूरियाँ, अली नर्सला के लिए मैंगो शेक, और मैंने अपने लिए चाय रख बनाई है। तो अभी हम बैठेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। देख सकते हैं आप मेरी टेबल, देखें किस तरह गाढ़ा है ना पतला है, मिक्स सालन, सूजी का हलवा, पूरियाँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की हलवा पूरी की रेसिपी, और मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो मेरे किचन में बनेगा वही आपके किचन में बनेगा, मैं हमेशा यही बात आपसे कहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का शेयर करें। और अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं, और आप लोगों के यहाँ जहाँ दिन है, जहाँ रात है, जहाँ डिनर करने का टाइम, और डिनर करें, हम अब भाई नाश्ता करते हैं और बारिश को हम एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।